तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें एलविश यादव एंड आजाद खान के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गैस क्या आजाद खान ने सॉरी बोल दिया है एलविश यादव को। तो गैस आजाद खान कुछ ये बोले ना एलविश यादव के बारे में, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते यारो। ये मेरा लास्ट वीडियो है कंट्रोवर्सी पे। मेरे को गाली गलौज नहीं करना है, मेरे को सीधा इनके पिछवाड़े में दम है तो धूपे धूप लड़ लेना है। बाकी मेरे को इन लोग को फेमस नहीं करना है और ना इन लोग के साथ कोई रिश्ता रखने का अपने को। तुम लोग को एक बात पता होनी चाहिए, इफ दे आर बैड आई एम देयर डैड। हाँ, उन लोग का बाप हूं मैं। लेकिन अभी बस अपन लोग ये गाली गलौज ये सब वो पब्लिकली नहीं, अकेले में उनको दिखा देंगे कौन किसका बाप है क्या है। बाकी सारे कुत्तों को भोंकने दो, तुम्हारे भाई का ये लास्ट वीडियो है इस पे। बाकी इन लोग को लेंगे और दिखाएंगे। लव यू यारो, अभी गाली गलौज नहीं यार। क्या है, मैंने कभी जिंदगी में पहले गाली गलौज नहीं किया, एक दो बार किया होगा कभी। औरतें बूढ़े बच्चे भी अपना वीडियो देखते, अभी इन लोग की तरह थोड़ी भिखारी लोग की जरा कोई फैन ही नहीं इन लोग के। अपने को तो औरतें बच्चे बूढ़े सब पसंद करते हैं ना, फैमिली पसंद करती है। और मैं वो फैमिलियों से वो औरतों से वो बच्चों से वो बूढ़ों से माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों से जो मैंने गालियां दी और आप लोगों ने सुनी। मैं माफ कर दो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन ये कुत्तों को समझाने का तरीका वही था। तो चलिए गाइस अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है एलविश यादव एंड अदनान के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा ना, अदनान एंड एलविश यादव के बीच में भी एक कंट्रोवर्सी हो गई है। अदनान ने बिग बॉस OTT3 से बाहर आते ही एलविश यादव को रिप्लाई किया था ना। तो गाइस आज एलविश यादव भी अपने रिसेंट ब्लॉग में अदनान के वो वाली वीडियो को देखकर कुछ ये बोल दिया अदनान के बारे में। मेरे को उसमें बोला ये रहा ये वाला बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं अदनान से कभी मिलूंगा बाय चांस तो अदनान पहली बात तो यूं देखेगा सही बात खोपड़ी यहाँ आएगा यहाँ नू नू टेक दूंगा नीचे करके। जो इसने तो कई चीजों की हिसाब लेना, अदनान को तो वीडियो वाडियो का हिसाब लेना, मुझे कई चीजों का हिसाब लेना। तो बोलते सेवेज है, इसका अंदर सेवेज पन्ना तो निकालूंगा। सेवेज तो इसने देखा ही नहीं, कह रहा मेरी गैर मौजूदगी में बॉर्डर पे चला गया था तू जब पीछे था तेरे घर वाले किसी को छेड़ गया मैं गैर मौजूदगी। भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता क्यों नहीं आते तुम दिल्ली? क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं। पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता है उधर। बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में भी, तो दिल्ली में आना तुम या फिर मैं मुंबई में आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जियो। ऐसे देख के तुझे बात करवाऊंगा पहले तो ना, मैं पहले मैं बैठूंगा फिर मैं बराबर आऊंगा तेरे, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। तो भाई जितने मुंह खुल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त, आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान दराजी। बिग बॉस में भी देख लिया था कितना डेंग है तू, ये धक्के धुक्के मार के मारे मार के दिखा दिया धक्का, तो ऐसे करके दिखा दिया, उससे पता लग जाएगी तुझे कि फर्क क्या होता है। बट कोई नहीं, इसको धमकी में मत लेना, दिस इज नॉट धमकी, ये हमारे कैजुअल टॉक है, कैजुअल हरियाणवी टॉक्स भी लाइक। ठीक है भाई, ब्लॉग को करते हैं। तो हाँ गाइस आज की इस वीडियो में कुछ यही अपडेट्स थे ना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे आपको ऐसी YouTube कम्युनिटी के बारे में अपडेट मिलते रहती है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।